होने का नतीजा देखिए आप। लोग यहाँ प्रेम की निशानियाँ छोड़ते हैं दीवालों में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं ऐसी जगह जो बहुत ही कम एक्सप्लोर हुई है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं दिलकुशा कुटी और साथ में करते हैं एक्सप्लोर। ये है नॉर्थ ईस्ट बिल्डिंग। अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में नवाब वाजिद अली शाह सन 1847 से 1856 ने दिलकुशा कोठी के उत्तरी पूर्व भाग में इस भवन का निर्माण करवाया। मणिपुर सैन्य पलटनों के सैनिक अभ्यास हेतु मैदान को साफ करवाया था। अंग्रेजों ने इस कार्य पर आपत्ति प्रकट की तथा नवाब को अभ्यास पूर्ण रूप से बंद करने को कहा, जिसे बादशाह ने नकार दिया। यूरोपीय शैली में निर्मित इस भवन का निर्माण लखौरी ईंटों द्वारा एवं चूने के मसालों से किया गया था तथा इस पर चूने का मोटा प्लास्टर किया गया है।
यहाँ पे दोनों तरफ से ताला लगा रखा है, अंदर जाना अलाउड नहीं है, बाहर से आप घूम सकते हो। ऊपर छत भी नहीं है इसमें किसी में भी, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं यहाँ। ऐसा कहा जाता है कि पहले के नवाब लोग अपने पिकनिक के लिए यूज़ करते थे इसे, कोठरी कोठरी टाइप की बना रखी है, पता नहीं क्या ही करते थे यहाँ। ना ऊपर से छत है ना दरवाजे हैं, ये तो मुझे लग रहा है बाद में ही लगाया गया होगा लोहे वाले। एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि दिलकुशा कोठी लगभग 18th सेंचुरी में बनाई गई थी। उस टाइम पे नवाब थे कोई सादत अली खान, उनकी निगरानी में ये बना था। काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे। ये सामने है दिलकुशा गार्डन का ओल्ड पैलेस है ये, चलिए इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। अंदर तो जाना शायद ही मना है ही सब में, देखते हैं। ओल्ड पैलेस एट दिलकुशा कोठी। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ओल्ड पैलेस एट दिलकुशा लखनऊ। दिस रिंड पैलेस कॉम्प्लेक्स वॉज बिल्ड ऑफ लखौरी ब्रिक्स। दिलकुशा पैलेस प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। मेजर जनरल हेनरी हैवलॉक ब्रथ टू हिज लास्ट हेयर ऑन द 24th नवंबर 1857, सफरिंग फ्रॉम डिसेंट्री आफ्टर बींग डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट इन 1920। These buildings are being regularly maintained and conserved by Archaeological Survey of India. चलिए देखते हैं इसमें क्या है अंदर। ये खुला है कि ये भी बंद है, देख के तो लग रहा है ये भी बंद ही है। पिलर्स लगा रखे हैं, देखिए खुला होने का नतीजा देखिए आप। लोग यहाँ प्रेम की निशानियां छोड़ते हैं दीवालों में।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं मैं अपनी वीडियो को और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।